पॉकेट डायरी हिंदी कहानियां। सफर छोड़कर मंजिल की तलाश में निकल गया, घर छोड़कर आशियाने की आस में निकल गया। अब माँ के हाथ की रोटी बहुत याद आती है जब ये बेरहम भूख सताती है। चारनी वाले खाकर काम पर लग जाते हैं, ठीक से खा तो ले बेटा, ये सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। पहले गुस्सा करते थे, अब प्यार भी जताते हैं। भोले से पिता मेरे जरा सी अनबन हो जाए ना तो ठीक से सो नहीं पाते हैं। बचपन में ना हमेशा मेरे लिए कुछ लाया करते थे और सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिल जाए इसलिए सबसे पहले मुझे बताया करते थे। सबकी डांट से बचाकर अपनी आंचल में छुपा लेती थी मेरी दादी, हमेशा मुझे रूठने पर मना लेती थी। अब याद आए ना तो बात कर लेती है, ज्यादा आए याद तो फोन पे ही रो देती है। बाहर खाना पहले शौक था, अब मजबूरी हो गई है। सपनों के तो करीब आ रहा हूं मगर अपने चांद से दूरी हो गई है। खैर कोई बात नहीं, वक्त बदल रहा है, अब कुछ कर दिखाने की अपनी बारी है। वक्त बदल रहा है, अब कुछ कर दिखाने की अपनी बारी है। घर को तो रोज़ याद करता हूँ मगर सफ़र अब भी जारी है।